देखो ध्यान दो, जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है, 3 - 5x / 1 - x^2 फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x^100। हमें इसमें x^100 का कोफिशिएंट चाहिए। देखो हालांकि ऐसे क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काफी आए थे, लेकिन फिर भी देखो हम देखते हैं। देखो क्या है, 3 - 5x / 1 - x^2, इसको लिखेंगे 3 - 5x / 1 - x^-2। देखो अब जैसे इसमें जो है वो पावर नेगेटिव है तो बहुत से टर्म आएंगे। देखो ध्यान दो, हमें x^100 चाहिए। देखो क्या होगा, अब इसको ध्यान दो, इसमें 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x^100 से, ठीक है, और x है, x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x^99 से। तो देखो हमें क्या हुआ, इसके एक्सपेंशन में ये दो टर्म चाहिए, हमें इसके एक्सपेंशन में देखो ये दो टर्म चाहिए, ठीक है, x^100 वो इससे मल्टीप्लाई होकर x^100 दे देगा, और x^99 वो देखो इससे मल्टीप्लाई होकर x^100 दे देगा, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें 100 चाहिए और 99 चाहिए, मतलब हमें कुल मिलाकर के देखो 1 - x^-2 में एक चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ x^100, और एक चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ x^99, दो चाहिए। देखो हमने देखा था अभी 1 - x^-r में कोफिशिएंट ऑफ x^n था n+r - 1 cr - 1, देखा था हमने। तो देखो इसमें x^100 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये होगा 100 + 2 - 1 c2 - 1, तो क्या हुआ 101 c1, यानी कि 101, ठीक है। इसमें देखो x^99 का कोफिशिएंट क्या होगा, 99 + 2 - 1 c2 - 1, तो देखो क्या हो गया 100 c1, यानी कि 100। तो देखो ये जो है ये हमारा हो गया p100, क्योंकि देखो x^100 का ये कोफिशिएंट है, और ये हो गया p99, क्योंकि देखो ये x^99 का कोफिशिएंट है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हो जाएगा 3 × p100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हो जाएगा -5 × p99, है ना, क्योंकि तभी हमें पूरे में x^100 मिलेगा। x^100 इसको इससे मल्टीप्लाई करके मिलेगा, और x^100 इसको इससे मल्टीप्लाई करके मिलेगा। अब देखो ध्यान दो, ये दो टर्म यहां पर हमें चाहिए। देखो 3 × p100 देखो ये हो गया 101, -5 × देखो ये हो गया 100, देखो ये हो गया 303 और माइनस का 500, है ना। देखो कुल मिलाकर के आंसर क्या आ गया, माइनस का 197, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, है ना। बताओ माइनस का 500 और देखो प्लस का 303, तो माइनस का 197 हमारा आंसर देखो यहां पर आ गया। तो इसमें हमें x^100 का कोफिशिएंट इस मेथड से निकालना होगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमने काफी किए थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, क्योंकि वहां पर इनकी जो हम लोग थ्योरम पढ़ते थे उसमें बहुत जरूरत पड़ती थी, फिर भी मैंने आपको एक बार रिवाइज कराया, अगर आप भूल गए हो तो फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन बायनोमियल में आते हैं, लिखो जरा ध्यान से।